लीजिए निर्मल सिंह आपका साथी हाजिर गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम को लेकर के संगीत हमारी जिंदगी में कितना सुकून देता है तो क्यों ना हम सुने एक सुंदर गीत हमारे देह एक परमेश्वर का मंदिर है और इस देह में सांस ले रहा प्राण एक उपासक एक उपासक अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने जतन करता वह तीर्थ यात्रा में जाता है वह व्रत रखता है लेकिन इस उपासना से भी बढ़कर अगर कोई उपासना है वो ये कि किसी बेसहारा को सहारा देना ताकि उसकी जिंदगी समर जाए और उसे फिर जीने की ललक बढ़ जाए आइए हैरिस वॉल्टर साहब का इस विषय में क्या कहना है सुनते हैं मिस्टर हैरिस वॉल्टर को धर्म के मंथन में जब स्वागत के साथ हम एक दूसरे के पास बैठते हैं शुभकामनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं तो आसपास का वातावरण प्रेममयी हो जाता है और इसलिए मैं प्रभु ईशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करता हूँ जीवन को उन्नत बनाने की शुभकामनाएँ देता हूँ और फिर से हम प्रारंभ करते हैं मंथन की यात्रा को एक ऐसी यात्रा जो अनंत यात्रा है क्योंकि परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को समझना इसका कोई अंत नहीं है हम जितना मंथन करते हैं उतना ही अमृत इसके अंदर से निकलता चला जाता है और ये अमृत हमारे लिए जीवनदायक बनता है न केवल हमारे लिए लेकिन दूसरों के लिए भी ये जीवनदायक बनता है और वास्तव में धर्म है ही इसीलिए कि इस पर वाद और विवाद ना किया जाए पर इस पर मंथन किया जाए और उस अमृत को ढूंढें और खोजें और ना केवल अपनी प्यास को हम शांत करें परंतु वो लोग जो प्यासे हैं धर्म के उनकी भी प्यास को हम शांत कर सकें जब हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो एक बड़ा सीमित सा दृष्टिकोण मैं और आप अपना बना लेते हैं धर्म का अर्थ धर्म की परिभाषा हमारी इतनी सीमित हो जाती है कि वो असीमित ईश्वर हमारी पहुंच से परे हो जाता है हम स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि वो ईश्वर जो असीमित है उसका धर्म सीमित कैसे हो सकता है और इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे बंधनों को हमें तोड़ना होगा बहुत सारे व्यवधानों को अपने मध्य से अलग करना होगा परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करनी होगी कि वो हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोल दे हमें उस अंतर्ज्ञान को प्रदान करें जो धर्म को समझाने में सक्षम है एक साधारण से साधारण सा व्यक्ति भी धर्म को जानना चाहता है परंतु उसकी पहुंच धर्म तक हमेशा ही दूसरे के द्वारा होती है लेकिन जब व्यक्ति का सीधा संबंध ईश्वर के साथ बन जाता है तब एक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती हाँ यह आवश्यक है कि एक अज्ञानी धर्म को समझने के लिए एक ज्ञानी को या एक धर्म गुरु को अपना मध्यस्थ बनाए परंतु मध्यस्थ की जो विशेषता है मध्यस्थ का जो महत्व है वो इस बात में है कि वो ईश्वर और उस मनुष्य को जो अज्ञानी है आपस में जोड़ दे और स्वयं अलग हो जाए और जैसे ही व्यक्ति जो अज्ञानी है जिसके ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं वो परमेश्वर के सानिध्य में आता है वो परमेश्वर के संपर्क में आता है परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर कार्य करने लगता है और उसका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है पापों की जो मृत्यु का प्रभाव है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और तब गहराई से वो व्यक्ति समझ सकता है कि धर्म क्या है हम सोचते हैं धर्म का अर्थ है पूजा अर्चना चर्च जाना प्रार्थना करना उपवास रखना धार्मिक सम्मेलनों में सम्मिलित होना प्रवचन को सुनना उपदेश को सुनना परंतु ये तो धर्म का एक बहुत उथला सा अर्थ है हमें गहराई में उतर कर जाना है हमें धर्म में बहुत गहरे पैठ कर धर्म का आनंद लेना है अब धर्म मेरा क्या है क्या मैं शब्दों से बतलाऊं मेरा प्रभु यीशु मसीह कैसा है क्या मैं शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश करूं सच जानिए कि शब्द के द्वारा ईश्वर को हम समझा नहीं सकते और शब्दों के द्वारा हम अपने विश्वास की व्याख्या तो कर सकते हैं परंतु अपने विश्वास को परिभाषित नहीं कर सकते एक व्यक्ति जो है वो केवल अपने कानों से धर्म के बारे में सुनना नहीं चाहता लेकिन ईश्वर ने उसे दृष्टि भी दी है और वो धर्म को देखना भी चाहता है वो ईश्वर को केवल सुनना नहीं चाहता लेकिन ईश्वर को वो देखना भी चाहता है अब ईश्वर के दर्शन का अर्थ केवल चित्र के द्वारा ईश्वर को समझना नहीं है परंतु पवित्र बाइबल में लिखा है संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है दरअसल हमें यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है लेकिन हम स्वयं अगर ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं मनुष्य स्वयं ईश्वर के सानिध्य में आ जाता है तो वो इसके तमाम पाप और पाप की तमाम बुराइयों को निकालकर इस ही शरीर को जो ईर्ष्या का वैर भाव का पाप का और शैतानी ताकतों का एक केंद्र बना हुआ है शुद्ध करके अपना मंदिर बना लेता है बहुत बार मेरे और आपके लिए देह एक ऐसा तत्व होता है जो केवल नाशवान है और इस देह के द्वारा हम यह समझते हैं कि हमें केवल संसार और संसार की वस्तुओं का उपभोग करना है लेकिन ईश्वर ने अगर हमको एक देह प्रदान की है तो उसका एक उद्देश्य वास्तव में मैं और आप एक देह नहीं लेकिन एक आत्मा है जो परमेश्वर ने मुझको और और मेरे और आप के अंदर जो आत्मा है वो सत्य का एक रूप है सत्य का एक प्रतिबिंब है और उसका प्रगटीकरण इस शरीर के माध्यम से ही संभव है हम कई बार इतना अधिक आत्मा पर विचार मंथन करने लगते हैं आत्मा के पीछे इतना भागने लगते हैं कि अपने शरीर को हम कष्ट देने लगते हैं और बहुत से लोगों का यह विचार है कि त्याग का अर्थ शरीर को कष्ट देना है लेकिन मसीही विचारधारा और विश्वास में त्याग का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं परंतु इस शरीर के द्वारा परमेश्वर के प्रेम और दया को प्रकट करना है ये परमेश्वर के उस सत्य के प्रगटीकरण का एक आधार है और इसलिए यह शरीर एक व्यर्थ वस्तु नहीं है शरीर केवल नाशवान तत्व ही नहीं है परंतु इस ही शरीर के द्वारा वो जो पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है संसार पर प्रकट होता है और धर्म की परिभाषा बदल जाती है ईश्वर का समझने का अर्थ परिवर्तित हो जाता है हम केवल अपने आप को धार्मिक विधानों में रीति और रिवाजों में ही फंसा करना रखें परंतु हम देखें कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है लोग उपवास करते हैं लोग सोचते हैं कि उपवास रखने का अर्थ यह है कि भोजन का त्याग कर देना अगर केवल भोजन का त्याग ही उपवास करना है तो मैं सोचता हूं कि इसका सही अर्थ आज तक हमने नहीं जाना परंतु बाइबल के अनुसार उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग ही नहीं है परंतु वह अपने वचन में यशया की पुस्तक में इस प्रकार लिखता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह यह है दुर्जनता के बंधनों से मनुष्य को मुक्त करना व्यक्ति के गर्दन से जुआ उतारना अत्याचार की गुलामी में कैद इंसान को स्वतंत्र करना वस्तुतः हर प्रकार की दासता से मनुष्य को स्वतंत्र करना अब महत्वपूर्ण विषय यह है अपना भोजन दूसरों को खिलाना बेघर गरीब को अपने घर में जगह देना किसी को नग्न देखकर उसे कपड़े पहनाना अपने जरूरतमंद भाई से मुंह ना छिपाना यह जो धर्म का प्रगटीकरण है कि अगर मैंने उपवास रखा है तो मैंने उपवास रखकर अपने भोजन को त्याग दिया लेकिन उस भोजन का मैंने क्या किया हम कर्म के द्वारा अपने व्यवहार के द्वारा संसार को यह बतला सकते हैं कि वास्तव में धर्म कितना सुंदर है वास्तव में परमेश्वर का प्रेम कितना महान है और इस उपवास में अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिस पर अत्याचार हो रहा है और अगर हम अत्याचार होते हुए देखकर हम आराधना में चले जाते हैं प्रार्थना में चले जाते हैं लेकिन उस व्यक्ति को मैं और आप छुड़ाते नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता दूसरी बात वो कहता है कि उपवास का अर्थ भोजन का त्याग नहीं लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखना जिसे खाने के लिए भोजन नहीं है उसको अपना भोजन दे देना एक व्यक्ति मेरे धर्म को कैसे समझेगा एक व्यक्ति मेरी धार्मिकता को कैसे समझेगा अगर एक व्यक्ति गूंगा है अगर एक व्यक्ति बहरा है अगर एक व्यक्ति अंधा है मैं कैसे बतला सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है मैं कैसे उसे समझा सकता हूं कि ईश्वर कितना सुंदर है मैं केवल अपने अपने काम के अपने कर्म के द्वारा, द्वारा कर्म उसे समझा सकता हूं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है अगर मैंने एक भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाया अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं तो शायद बहुत बार मैं और आप ऐसे व्यक्ति को देख कर उसकी हंसी उड़ाते हैं मैं और आप उसका उपहास करते हैं कि इस व्यक्ति के पास में इतना भी कपड़ा नहीं कि अपने तन को ढांक सके लेकिन धार्मिक व्यक्ति वो है ईश्वर के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति वो है जो ऐसे व्यक्ति का उपहास नहीं करता परंतु वो अपने कपड़े उतार कर उसको पहना देता है और उसकी नग्नता को वो ढांप देता है क्या मेरे और आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह है जिसके पास में सर छुपाने के लिए एक छत नहीं हम भरी बारिश में जहां पर एक व्यक्ति भीगता है परेशान होता है क्या थोड़ी सी जगह दे सकते हैं और मसीहत का अर्थ यही है कि हम ऐसे दुख में तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करें परंतु प्रश्न यहां पर यह पैदा होता है क्या ये सहायता एक प्रलोभन है क्या सहायता हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसे आकर्षित करना चाहते हैं हम सहायता इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं हम अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढना बहुत जरूरी है बहुत बार ये कहा जाता है कि ऐसा ऐसा अगर किया जा रहा है, हाँ तो इसका प्रयोजन कुछ और है इसका तात्पर्य कुछ और है लेकिन मसीह ही विश्वास को समझना या प्रभु यीशु मसीह को समझना मेरे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है एक व्यक्ति अगर अपने भोजन को दूसरे को खिला देता है अगर किसी को वो नग्न देखकर उसे वो कपड़े पहना देता है अगर किसी को बीमार देखकर उसका वो उपचार करता है किसी असहाय की वो सहायता करता है तो वो अपने कारण नहीं लेकिन ये वो स्वभाव करता है नए नियम में कुछ शब्दों का उपयोग प्रभु ईशु मसीह के लिए किया गया जब प्रभु ईशु मसीह ने किसी अंधे को देखा प्रभु ईशु मसीह ने किसी कोढ़ी को देखा प्रभु यीशु मसीह ने किसी तंगहाल व्यक्ति को देखा तो लिखा है वचन में कि उसने तरस खाया और यह तरस इसलिए नहीं कि उसके पास में शक्ति और सामर्थ्य कि वो एक कोड़ी को चंगा कर सकता था वो इसलिए नहीं कि उसमें शक्ति और सामर्थ्य और वो एक अंधे को देखने के योग्य बना सकता था परंतु उसके मन में इतनी दया थी उसके मन में इतना तरस था कि वो उस शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे बाध्य कर देता था क्या आज मैं और आप जो ईश्वर ने शक्ति मुझको और आपको दी है अच्छा कार्य करने की वो तरस और वो दया है अपने अंदर रखते हैं स्वभाव में और बाहरी कर्म में एक अंतर होता है सांप के स्वभाव में ही दंश लिखा है वो काटता है तो अपने स्वभाव से काटता है एक बिच्छू अगर डंक मारता है तो वो स्वभाव से डंक मारता है और है एक पुष्प जब खुशबू को फैलाता है तो वो उसके स्वभाव में पाया जाता है एक बात मुझे याद आ रही कि एक साधु जी नदी में नहा रहे थे नहाते नहाते, नहाते उन्हें एक बिच्छू दिखाई दिया जो पानी में तैर रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ से ऊपर उठाया तो बिच्छू ने तुरंत उन्हें डंक मार दिया उन्होंने घबराहट का छोड़ दिया फिर उन्होंने हाथ लगाया बिच्छू ने फिर डंक मारा ये तीन बार और चार बार हुआ तो आसपास के जो व्यक्ति नहा रहे थे उन्होंने कहा साधु जी आप ये क्या कर रहे हैं आप बार बार उसे हाथ लगाते हो बार बार वो आपको डंक मारता है तो साधु जी ने कहा वत्स मेरा स्वभाव प्राणी को जीवन दान देना है और इस बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है वो अपना कर्म कर रहा है मैं अपना कर्म कर रहा हूं इसलिए याकूब की पत्री के दूसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ है ऐसा विश्वास क्या कभी उसका उद्धार कर सकता है यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ गरम रहो और तृप्त रहो और जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ हम कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास है हम कहते हैं कि हम परम सत्ता पर विश्वास करते हैं परंतु परमेश्वर का वचन एक बात को मुझको रात को बताना चाहता है कि ऐसा विश्वास जिसमें सदकर्म नहीं है वो विश्वास एक मृतक विश्वास है और ऐसे विश्वास के द्वारा व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता अगर आसपास किसी ऐसी व्यक्ति को हम देखते हैं जो नग्न है उघाड़ा है भूखा है और प्यासा है और मेरे और आपके पास अगर वो सहायता के लिए आता और मैं और आपसे कहें ठीक है साहब आप अपने घर में जाइए और मैं आपसे ईश्वर के लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर का वचन एक बात को समझाना चाहता है कि ऐसी प्रार्थना व्यर्थ है ऐसा धार्मिक कर्मकांड व्यर्थ है जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं अगर वो उस व्यक्ति को प्रदान ना की जाए तो हमारी सारी धार्मिकता व्यर्थ है वास्तव में मेरे और आपके विश्वास का प्रदर्शन मेरी और आपकी धार्मिकता का प्रदर्शन मेरे और आपके रीति और रिवाजों से नहीं होता परंतु उन कर्मों के द्वारा होता है जो हम स्वभाव से करते हैं हमारे हृदय में स्वभावतः दया और सेवा की भावना पाई जाती है और यही मसीही विश्वास का आधार है अगर आज कोई कहे कि मसीह विश्वास की परिभाषा करो तो यही एक बात है मसीहत का अर्थ है अच्छे कार्य करके प्रभु यीशु मसीह को संसार के आगे प्रकट करना आशा है आज के प्रोग्राम को देखकर आपको प्रोत्साहन मिला होगा हमें पत्र लिखना न भूलें सत्यपथ वीडियो डिपार्टमेंट मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन दमो मध्य प्रदेश 470661